पार्टी विथ डिफरेंस वाली भाजपा पिछले विधानसभा चुनाव में हार का ठीकरा जिला अध्यक्षों पर फोड़ना चाहती है। जी हां, सूत्रों की माने तो जमशेदपुर जिला महानगर अध्यक्ष समेत पूरे कोल्हान में भाजपा जिला अध्यक्ष बदलने की तैयारी चल रही है। जमशेदपुर में रघुवर दास के चहेते गुंजन यादव को जिला अध्यक्ष बनाने की तैयारी की चर्चा जोरों पर है। जिला भाजपा कमेटी में इसको लेकर घोर नाराजगी है। देखिए इस रिपोर्ट में। विधानसभा चुनाव में भाजपा की करारी हार को देखते हुए जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष दिनेश कुमार ने इस्तीफा दिया, जिसे नामंजूर कर दिया गया था। उसके बाद फरवरी के अंतिम हफ्ते में जिलाध्यक्ष को लेकर जिला कार्यालय में राय शुमारी की गई, और जब उसमें और वर्तमान जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार के पक्ष में माहौल दिखने लगा तो अब उन्हें बदलने की तैयारी है। चर्चा है कि दिनेश कुमार की जगह पूर्व सीएम रघुवर दास के चहेते गुंजन यादव को जिलाध्यक्ष की कमान मिल सकती है। सोशल मीडिया में जिला बीजेपी प्रवक्ता अंकित आनंद और अन्य नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। अंकित आनंद और अन्य रायशुमारी के आधार पर जिलाध्यक्ष की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। जिला कमेटी के पदाधिकारियों ने पूर्व सीएम रघुवर दास को पत्र लिखकर ऐसा न होने देने की मांग की। पत्र में कई सवाल उठाए गए हैं कि हार के अगले 6 महीने में समीक्षा बैठक क्यों नहीं हुई, हार का ठीकरा सिर्फ जिलाध्यक्षों पर ही क्यों, तत्काल कोल्हान प्रभारी दीपक प्रकाश जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं या फिर सांसद पर क्यों नहीं। आप खुद देखिए यूं के यूं उस चिट्ठी। सेवा में श्री रघुवर दास जी पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड सरकार, श्री बाबूलाल मरांडी जी नेता प्रतिपक्ष वरीय बीजेपी नेता झारखंड प्रदेश, श्री धर्मपाल जी संगठन महामंत्री भाजपा प्रदेश, श्री दीपक प्रकाश जी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा झारखंड प्रदेश। विषय राय शुमारी के पश्चात जमशेदपुर महानगर जिलाध्यक्ष की घोषणा के निमित्त आग्रह। दिनांक 25 मई 2020 सोमवार। महोदय सादर नमस्कार। विभिन्न माध्यमों से मिल रही सूचनाओं और जानकारी के आधार पर कोल्हान प्रमंडल के सभी जिलाध्यक्षों को बदले जाने के निर्णय का मैं व्यक्तिगत रूप से समर्थन नहीं करता करती। चुनाव में तथा अन्य सांगठनिक कार्यों को सभी जिलाध्यक्षों ने अत्यंत निष्ठापूर्वक सुसंपन्न कराया। दुर्भाग्यवश परिणाम हमारे हित में नहीं रहे, अपितु सभी जिलाध्यक्षों के अथक मेहनत और प्रयासों को नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा। विगत मार्च महीने में जमशेदपुर में संपन्न हुई राय शुमारी के दौरान कोल्हान के जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे, ऐसा कोई नियम प्रदेश बीजेपी द्वारा घोषित नहीं था। जमशेदपुर महानगर के लिए जिलाध्यक्ष के चयन हेतु केवल और केवल राय शुमारी को ही आधार बनाया जाए, संगठन हित में ये हमारा व्यक्तिगत आग्रह है। जमशेदपुर महानगर के वर्तमान जिला पदाधिकारी सहित जिले के मोर्चा अध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों की एक राय है कि वर्तमान जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार को पुनः दोबारा जमशेदपुर महानगर भाजपा का जिलाध्यक्ष बनाया जाए। इस संदर्भ में पूर्व में भी लिखित अनुरोध और संयुक्त हस्ताक्षर सहित एक पत्र प्रदेश संगठन को प्रेषित कर दी गई थी। निवेदन है कि कार्यकर्ताओं के भावनाओं और आग्रहों को ध्यान में रखते हुए संपन्न हुई राय शुमारी के आधार पर जिनके नाम का प्रस्ताव सर्वाधिक हो उनके नाम की घोषणा प्रदेश संगठन के स्तर से कर दी जाए। वर्तमान में चुनाव में आशातीत सफलता न मिलने और उसके पश्चात झारखंड विकास मोर्चा के भाजपा में विलय के बाद स्थिति चुनौतीपूर्ण है। इस परिस्थिति में अनुभवी और समन्वय स्थापित करने में कुशल नेतृत्वकर्ता की अत्यंत अनिवार्यता है। वर्तमान जमशेदपुर महानगर जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार की एक बड़ी उपलब्धि ये भी है कि उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में प्रदेश संगठन द्वारा निर्देशित सभी कार्यक्रमों को ससमय सुसंपन्न कराते हुए सभी कार्यक्रमों में पूरे प्रदेश भर में अव्वल प्रदर्शन किया है। इसके लिए वो भूरी भूरी प्रशंसा के पात्र हैं। जमशेदपुर महानगर के जिलाध्यक्ष का परिवर्तन होने से हजारों की संख्या में युवा कार्यकर्ता सहित झाविमो से बीजेपी में आए कार्यकर्ता भी हतोत्साहित होंगे। सभी की मूल भावना है कि पुनः श्री दिनेश कुमार को एक अवसर प्रदान किया जाए। ये भी उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव के परिणाम के लिए जिलाध्यक्ष को जिम्मेदार मानते हुए परिवर्तित कर देना अविवेकपूर्ण निर्णय है। विधानसभा चुनावों के लिए प्रदेश संगठन के निर्देश पर विधानसभा स्तर पर कोर समिति सक्रिय थी। इसके अतिरिक्त सभी उम्मीदवार प्रत्याशी अपनी स्वेच्छा से कोर कमेटी के गठन और संचालन कर रहे थे। ऐसे में पुनः जिलाध्यक्ष को एक अवसर प्रदान किया जाना पार्टी कार्यकर्ताओं की भावना और निवेदन। कृपया हमारे आग्रहों पर प्राथमिकता सहित संज्ञान लेते हुए कृपया श्री दिनेश कुमार को पुनः जमशेदपुर महानगर का जिलाध्यक्ष घोषित करने की कृपा करें। विश्वास भाजन। लॉकडाउन में जिला भाजपा कार्यालय में भले ही तालाबंदी हो गई है, लेकिन अगर राजनीतिक तूफान की बात करें तो राजनीतिक उबाल जोरों पर है और वहां कोई तालाबंदी नहीं हुई है। तालाबंदी से पहले यानी लॉकडाउन से पहले जहां बीजेपी जिलाध्यक्ष को लेकर राय शुमारी को लेकर बैठक हुई थी और ये लगभग तय माना जा रहा था कि दिनेश कुमार ही फिर से जिलाध्यक्ष बनेंगे, वहीं अब पूर्व सीएम रघुवर दास के चहेतों के नाम आने से राजनीतिक उबाल चरम पर है।
अब इन चहेतों का नाम ला करके बड़े बड़े नेता क्या दिखाना चाहते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इन नामों के आने से जिला भाजपा में जरूर उबाल चरम पर है और कार्यकर्ता बहुत नाराज हैं और सोशल मीडिया में तूफान मचा हुआ है। कैमरा पर्सन अनवर के साथ अन्य अमृता, न्यूज 11 जमशेदपुर।